और यहाँ से अभी कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाना है, कश्मीरी गेट जाना है, तो हमने मेट्रो में बैठना है और कश्मीरी गेट पे मिलती हूँ, भूल जाती हूँ। स्टेशन की बात करना आपसे भूल गई थी और अभी हमने फिर से ऑटो ले लिया, हम लोग उतरे थे कौन सा सेंट्रल सेक्रेटरी और अभी हम लोग डायरेक्टली ऑटो लेकर जा रहे हैं वहाँ पे। सो आई विल मीट यू, ये हमें यहाँ पे कहीं करना होगा, कहाँ पे लाइन में लगते हैं। 100 सिक्योरिटी चेक्स फाइनली वी आर हियर, दिखाती हूँ मैं। अमृत उद्यान यार बहुत ज्यादा भीड़ है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। I'm standing at Raisina Hill almost since British occupied India. I have witnessed India's freedom struggle to gain independence from the British. In 1911, Britishers acquired the. कुछ भी कहो, जगह बहुत प्यारी है, इतनी सारी ग्रीनरी है, बस धूप थोड़ी सी कम होती तो आई गेस चीजें और ज्यादा बेटर लगती, और इतने सारे लोग हैं ना मेरे आसपास। मुझे लगता है हमारी प्रेसिडेंट यहीं की सब्जियां खाती है ऑर्गेनिक। बड़ी प्रिटी सी बटरफ्लाई भी, अरे फोटो खींच रही है यहाँ पे भैया की, बट मैं आ गई। दूसरी वाली बटरफ्लाई दिखाती हूँ, मेरी बटरफ्लाई क्यूट सी प्यारी सी। इसी मुझे नहीं लगता कि साग है या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो पूजा में यूज होती है, अगर आप लोगों को लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मेरे दोस्त ऐसा बोल रहे हैं। ये देखो, दिस इज द एक्चुअल ब्यूटी, और इसके पीछे क्लासिकल म्यूजिक भी चल रहा है, कितना सुंदर फाउंटेन है। देखो मोर, अब आपको मोर नहीं दिखेगा, मैं ही दिख रही हूँ, दोबारा से ठीक से दिखाती हूँ। तो परमिशन दी सर ने अंदर जाने की, तो मैं आपको मोर दिखाती हूँ। मोर ही चला गया, बहुत सारे लगे हुए हैं फटने के लिए, और मुझे लगा था पेड़ पे चिड़िया बैठी है, आवाज आ रही ना आप लोगों को, तो मैं चिड़िया दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है चिड़िया, JBL लगा रखा है यार। कुछ बोर्ड्स है जिन पे जो भी इधर फ्लावर्स हैं उनकी पिक्चर्स हैं, और हमने स्कैन कर सकते हैं और इन पर्टिकुलर फ्लावर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। इधर जो लिखा हुआ है वो है मधुमलती। अभी ना हम लोग आए हैं फूड कोर्ट पे, और यहाँ पे ये सारी चीजें मिलेंगी, आप पॉज करके देख लेना क्या कितने का है। मुझे इतनी भयंकर वाली प्यास लग रही है ना, बहुत ज्यादा। सबसे पहले हम लोग इधर पानी लेंगे, और पानी के इंतजाम आते हैं आपको इधर, वो भी मिल जाएंगे ग्लासेस। ये रिजमानी लिया है, ये रायता है, और ये बिरयानी है, और पता है कितने का है, 120 का। चावल की क्वांटिटी तो फिर भी थोड़ी ठीक है, बट रायता तो चखने के लिए दिया है और यही टेस्टी है, पर ठीक है भूख लगी है तो वी विल ईट इट, और इसी में काम करते हैं। जैसे जैसे मुझे एक सीट मिल गई है थैंक्स टू द कपल जिन्होंने मुझे अपनी सीट दी। बच्चे पत्थरों से खेल रहे हैं छोटे छोटे से, ये हमारा भाई ने, ये सारे बच्चे पत्थर से खेल रहे हैं, मैं भी चली जाऊंगी साथ। ज़्यादा जोश है इस बच्चे में, ये इसके घर वाले से डांट रहे हैं कि आ जा भाई, पर वो नहीं रुक रहा, भाग गया। बहुत भीड़ है यार, आप देखो पीछे वह जो लाइन है वहाँ पे पूरा, और ये कलरफुल स्टोन्स है, ये रेड है, एक आध घर ले जाऊँ क्या उठा के, ये पर्पल है, रेड और पर्पल ले जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इतना चल चल के मेरी बैंड बज गई है, बट अभी हम लोग म्यूजियम जा रहे हैं, पता नहीं अंदर वीडियोग्राफी अलाउड होगी या नहीं, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि एक आध चुपके से क्लिप निकाल दो। चलो जी चलते हैं, जान नहीं बची मेरे अंदर, मैं तो बुढ़ापा आ गया है मेरा अभी से। दिस इज द म्यूजियम, ये शायद कॉलोनियल रूल के टाइम का कुछ वो है, बग्गी टाइप्स, इसमें आगे घोड़े भी हैं और उधर भी बहुत सारी चीज़ें भी चलते हैं। ओवर 100 ईयर्स एज द नेम सजेस्टेड वाज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग द हॉर्सेस कोचेस एक्सट्रीमली हेल्प। वो ट्रेनिंग कोच था गाइज, ये है लगेज कोच गाइज। ये देखो वॉल्स पे कितनी अच्छा ये इनक्रेव किया हुआ है, समझ तो नहीं आ रहा मुझे ये है क्या, बट देखते हैं आगे चल के। अच्छा आर्ट गैलरी, हम अंदर जा सकते हैं आई थिंक। आर्ट गैलरी यहाँ है क्या, कौन सी आर्ट है, आर्ट गैलरी मुझे देखनी है, यहाँ है क्या, अरे ये है क्या, यहाँ पे इतनी आर्ट है कि मैं कुछ देख ही नहीं पा रही हूँ, शायद मेरे जैसे मामूली लोगों के लिए नहीं है ये। ओ भाई मैम गुस्सा कर रही है, मर्सिडीज बेंज।
अपना मुखड़ा नहीं दिखाया था, तो मेरे मुखड़े के साथ ये देखो पुराने स्टैम्प्स। और आगे क्या है? अच्छा, ये थोड़ा बड़ा वर्जन है, पैसे भी है, 60 का सिक्का। ये मैम मिनट मिनट पे आ जाती है, डरा देती है। स्कूल प्रिंसिपल किने भेजा इसने यहाँ? ये देखो पुराने टाइम का चेस बोर्ड, नेशनल सिंबल ऑफ फ्रीडम। प्यादे दिखाती हूँ आप लोगों को करीब से, प्यादे प्यादे तो आगे वाले मतलब सारे। अरे इनमें पता कैसे चलेगा? अच्छा बहुत माइनर सा डिफरेंस है, वो ब्रोंज के हैं और ये सिल्वर के हैं। एक और चेस बोर्ड, ये और अलग तरह का है, मैक्सिमम रूम इतना ही होगा हमारे फोन में। पहले प्रेसिडेंट के सिग्नेचर और प्राइम मिनिस्टर के, और नीचे हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और इधर हैं अम्बेडकर जी के हैं, और इधर किस किस के, इधर भी मिनिस्टर्स हैं और CJI वगैरह सबके हैं। APJ अब्दुल कलाम जी के पूरे बिलोंगिंग्स हैं, पूरा सितार भी उन्हीं का। ये सितार है, आई एम सॉरी मुझे नहीं पता, मोस्ट प्रोबेबली सितार ही है या वीणा, पता नहीं यार, माफ करो। ये उनका चश्मा, उनकी बुक्स सारी की सारी। ओके, अभी हम लोग हैं दूसरे वाले म्यूजियम में, और वहाँ पे एसी चल रहा था, बट यहाँ पे नेचुरल एसी है, एकदम खुली खुली हवा, बरगद का पेड़ ही अभी आप दोस्त, कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। अरे मैंने मूनस्टोन तो देखा ही नहीं, शायद यहाँ पे हो मे बी। ओके, पर ये है क्या? स्टेबल सेटिंग, ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? मर्डर हुई पुलिस अंकल को देख के मुझे लगा कि वो भी कोई वो है स्टैचू या स्टिकर जो लगा हुआ था वहाँ पे स्टेबल सेटिंग में। गाइस अभी मैं आ गई हूँ दूसरे म्यूजियम के दूसरे भाग छोड़ के, यहाँ पे है हमारी प्रेसिडेंट जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और उनके साथ और भी पुराने वाले फॉर्मर मिनिस्टर्स, और ये हैं ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ पे भी कुछ है। यह है राष्ट्रपति भवन का किचन, ये उनके शेफ्स, और इधर भी है अदर ब्यूटीफुल लेडीज ऑफ हमारे इंडिया की, और बहुत सारे बर्तन भी हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं। गाइस यहाँ पे इतनी क्रॉकरी है कि मुझे लगता है पूरे एक स्टेट का काम तो चल ही जाएगा। अरे अजीब सी डकार सी आ गई, बहुत सारी क्रॉकरी है। चलो बाहर चलते हैं अब यहाँ से। ये है बड़ा ही सुंदर सा, पता नहीं क्या है, इंडियन डॉलर। ध्यान से सुनो, ध्यान से, लोगों का शोर भी है बट देखो वहाँ पे रील बन रही है सब लोग। ये चलो क्लॉक टावर गए, जो बच्ची वहाँ बैठी है गुस्से में एकदम, बस ये ना देख ले मैं वीडियो बना रही हूँ, भड़क जाएगी मेरे पे भी। गाइज मेरे पीछे है MiG-21 जो कि 1965 के वॉर में भी यूज़ हुआ था, कारगिल वॉर में भी यूज़ हुआ था, और तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे इस जगह जो ये आया है मतलब राष्ट्रपति भवन में, ये यहाँ पे आया है 23 दिसंबर 23 और इधर ना बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है इसके बारे में, मैंने पढ़ लिया है पर अब कितना समझाऊँ। ये MiG-21 है और मैंने आपको बता दिया ये वॉर्स में यूज़ हुआ है, लास्ट इट, अभी चलते हैं आगे। गाइस इधर ना बंदर भी आ गया है, पीछे की साइड कुछ बंदर है। अरे अंकल ने गाड़ी क्यों रोक ली,
वी एम इन रोज गार्डन, तो मैं आपको रोज दिखाती हूँ। ये मुरझा गए हैं बट ठीक है, दिखाती हूँ। बहुत सारे हैं, वो है रेड रोज, ये है ऑरेंज जो मुझे दिख रहा है, मैं वो बता रही हूँ। एंड ये वी हैव वाइट रोजेस जिनको आइसबर्ग बोलते हैं। देन सेम वाइट रेड, अरे हर जगह सेम ही रोजेज है क्या, अलग नहीं है कुछ यहाँ पे ना? अगर किसी को कुछ चक्कर वक्कर आ जाए मेरे जैसे लोगों को, तो यहाँ पे फर्स्ट एड के लिए भी है पूरा प्रॉपर एम्बुलेंस आपका ऑन द स्पॉट। और यहाँ पे कैक्टस है बहुत सारे कुछ कांटेदार लोगों के लिए। क्या था, पुलिस ऑफिसर्स की भी भाई बहुत दाद देनी पड़ेगी, इतनी मेहनत से मैम वो ढूंढ रही है, मेरा ही बैग ढूंढ रही है। अंकल ने उतारा ही था बट मुझे यहाँ पे तालाब दिख गया, रुको आप लोगों को भी दिखाती हूँ। पता नहीं कौन सी इंडिया गेट है ये, मैं नहीं पता नहीं कौन सी जगह है, ले भी चाहिए जाओ तालाब देखो। यार दिल्ली में भीड़ बहुत है, शांति नहीं मिलेगी। नीचे बैठी हुई हूँ मैं मेट्रो का शॉट लेने के लिए। मैं घर पे बोल के आई थी कि 2:30 बजे मैं घर पहुंच जाऊंगी, और अभी पता है कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट अभी यहाँ से मैं मोहन नगर स्टेशन मेट्रो स्टेशन आ चुकी हूँ, बस यहाँ से ऑटो लेके घर जाना है, और मेरे को बुखार चढ़ेगा डेफिनेटली। क्या मम्मी, मम्मी तारीफ कर रही गई, मैं तो शरीर सही है तभी इंजॉयमेंट है। मैं कॉलेज में आ गई पर सबको लगता है मेरा टूर ही जाता है, वो भी स्कूल का। आप ही के ढंग से, आपने खिला के कहाँ भेजा था, वो चीला खिलाया था आटे का चीला, उसमें ऐसा लग रहा था टमाटर प्याज तैर रहे हैं। आटे का तो चीला बढ़िया ही, और ये मैदा खा के जा रही बुला रही है चीले खिलाने का, अच्छा बता दीजिए। मैं लेटे लेटे पानी में से मैदा खा के ही देता का तारी है, मैं नहीं उठ सकती अब, मैं तो लेट गई। दारू उबाल के लाओ पानी का। ओए तूने गरम किया है पानी? लव थैंक यू मम्मी, मेरी बारी बुखार की। कैसे बढ़िया भाई, उठाना यार। अरे मम्मी आटा गूंथने में लग रही है। स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है बीमार होने पे, और क्या, वो रखा अलमारी के ऊपर एंटीबायोटिक डंडा। मैं भी देख रही अलमारी के ऊपर, मुझे लगा था गरम पानी मिलेगा सिर्फ डंडा के लिए, एंटीबायोटिक डंडा। बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, इतनी ज्यादा कि बस मेरे को सोना है। तो अच्छा रहा सब कुछ, मैंने लाइक बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया था कि भीड़ कम होगी और बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल होंगे, या तो मौसम की वजह से था ये सब या फिर पता नहीं क्या, बट इतने ज्यादा फूल पत्ते नहीं मिले, मतलब ग्रीनरी बहुत थी बट फ्लावर्स रोज मुरझाए हुए थे जैसे कि। और सब कुछ अच्छा था। आज लास्ट डे था, मतलब लास्ट डेट थी 15th of September, ये 15th of August से चल रहा है, मतलब मुझे काफ़ी पहले से पता था मुझे 31st of August को जाना था, बट मेरे महान दोस्तों ने मुझे बताया कि वहाँ पे टिकट लगता है और सारे टिकट्स फुल हैं, सी मतलब एंट्री नहीं मिलेगी। मैंने खुद ने चेक किया नहीं था, मैं भरोसे में हाँ कर दिया। फिर कल रात वन ऑफ माई कॉलेज मेट्स वेंट देयर, तो उसने फ़ोटो डाली हुई थी, तो तब हाँ तो मैं आपको बता रही थी कि उसने बताया, तो उसके बाद मैंने रात को ही टिकट करी 12:30 बजे, टिकट 11 की खरी थी और 10:45 बजे मैं यहीं पे थी घर पे, बट फिर हम वहाँ पे जाके मैंने दोबारा से टिकट करी तब हम चले गए। बट अब आप लोग जा सकते हो चुड़ी मुड़ी 5K मार्च में, और सितंबर में पता नहीं नेक्स्ट ईयर खुलेगा या नहीं, बट ओवरऑल सारी चीज़ अच्छी थी। और पता है बैग रखने के लिए भला हो, मेरे बैग में ना वो था क्या, अरे यार यार नाम भूल जाती हूँ, पावर बैंक था, तो वो थी चेकिंग के लिए मेट्रो स्टेशन पे, वो पुलिस जो ऑफिसर थी वो चेकिंग कर रही थी, कहती है कि इस ये क्या है, मुझे पता ही नहीं है क्या, क्योंकि मेरा नहीं था वो, दोस्त का था। मैंने निकाला, मैंने कहा ये है क्या, मैं उसको खोलने की कोशिश कर रही हूँ, फिर मैंने देखा इसमें चार्जिंग स्लॉट है, मैंने कहा मैम ये वो है चार्ज करने वाला, वो कहती है पावर बैंक, मैंने कहा हाँ मैम हाँ, ऐसी याददाश्त है मेरी, कोई बात नहीं। बट उसके बाद जब हम वहाँ पे पहुँच गए तो वो जो ऑफिसर थी वहाँ पे भी चेकिंग के लिए, उन्होंने पर्स को उसमें से जाते हैं ना चेक करने वाले जो मशीन होता है, नाम ही नहीं याद रहते किसी चीज़ के, तो वो बोलती है इसमें परफ्यूम है, उस बेवकूफ ने परफ्यूम भी रख रखा था, मेरी बैग में रखवाया था क्योंकि उसके पास बैग नहीं था, इतनी सी परफ्यूम की वो थी वो भी रखा हुआ था, वो कहती है इसमें परफ्यूम है, मैंने कहा नहीं मैम, और उसमें परफ्यूम था। फिर
एंट्री हो गई, फिर वापस आए, फिर लाइन में लगी लड़कियों वाली। अब दो लाइन लगी हुई थी, एक ही वो था काउंटर बैग जमा करने वाला, और दो लाइन लगी हुई थी। अब ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन थी, मैं इस वाली लाइन में लग गई। अब पीछे से लगी हुई हूँ, मेरे आगे लगे हुए हैं लगभग छः लोग लगे हुए हैं, ठीक है। अब जब मेरा नंबर आ गया तब जाके वो बोलती है कि एक लाइन बना लो। मैं कमाई इतनी देर से मैं लगी हुई हूँ। उसके बाद वो तो अच्छा हुआ, दो लड़कियाँ थी, उसने मुझे देखा तो उसने मेरी हेल्प कर दी, उसने बोला कि आप यहाँ लग जाओ, तो उन्होंने अपने आगे ही लगा लिया, फिर हो गया। यार ऐसे लोगों की सच में बहुत थैंकफुल हूँ मैं, बहुत अच्छी लड़की थी वो, नाम था सिमरन सरबजीत, नाम भूल गई, ऐसे ही कुछ था, पता नहीं उनके पास तो ये वीडियो कहाँ ही पहुँचेगी, नॉट पॉसिबल। और ठीक है, आई होप आप लोगों को ये छोटू सा क्यूट, छोटू तो नहीं था ये ब्लॉग, अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है यार, मेरा भला हो जाएगा।